कल के पूरे एपिसोड में एक चीज बहुत ज्यादा एविडेंट थी, एक चीज बहुत क्लियरली ऑब्जर्व की जा रही थी और नजर आ रही थी, वो चीज क्या थी? शालीन वर्सेस एमसी स्टैन में टीना चाहती तो क्लियरिफाई कर सकती थी इस चीज को कि एमसी स्टैन ने शुरुआत की गाली देने की। एमसी स्टैन ने एक बार कहा, अरे बस क्या ब्रो, अरे छोड़ ना ब्रो, अरे ये ना ब्रो। एक तो उनके बात करने का तरीका ही मुझे पसंद नहीं है, बट स्टिल शालीन ने उसके बाद दो तीन मिनट तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर जब एमसी स्टैन ने बार बार बोला तब शालीन ने बोला कि अरे हाँ भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका पैर बस पकड़ कर मैं वहां पे खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा उसके पैर को। जिसके बाद एमसी स्टैन जो ऑलरेडी भरे पड़े थे, जिस तरह से हमने देखा कि बिग बॉस में वो इंसिडेंट होने के थोड़ी देर पहले ही शालीन स्टैन शिव स्टैन और साजिद ये तीनों बात कर रहे थे शालीन को लेकर कि शालीन को बत्ती देना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही इंसिडेंट हुआ और ऐसा लगता है कि उनका जो आउटबर्स्ट है वो बाहर निकल गया। अब मैं आपको बता दूं कि इस चीज में शालीन और स्टैन की लड़ाई में टीना को क्यों ब्लेम किया जा रहा है और टीना पर बवाल क्यों मच रहा है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि टीना पर बवाल मच रहा है और टीना पर सवाल भी उठ रहा है। जी हाँ, अब सवाल और बवाल क्या है, देखिए टीना वहां थी मौजूद, टीना ने बाद में शालीन से लड़ाई की। सुंबुल का मुद्दा अलग कर दीजिए, सुंबुल के वजह से टीना को इरिटेट हुआ, गुस्सा आया, वो अनॉय हुई, वहां तक ठीक है, लेकिन बाकी की सिचुएशन में क्या? कई सारे लोग टीना को एक्सपोज करते हुए ये कह रहे हैं कि टीना ने दिखावा किया, जबरदस्ती कोई उनको बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने बिहेव ऐसे किया जैसे उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, हद पार उन्हें चोट लगी है। अब इस चीज पर फैंस का क्या मतलब, फैंस क्यों भड़के हैं मैं आपको बताती हूँ। फैंस कहते हैं कि टीना जो है पहले तो वो चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही सुंबुल वाला मुद्दा हुआ, जब उन्हें रूम से बाहर आना था फिर, तब तो वो फटफट फटफट बाहर चलकर आ गई। ये कैसे पॉसिबल हुआ? यानी कि उनके पैर में उतनी चोट नहीं लगी थी, और अगर चोट लगी भी थी तो भी शालीन के सपोर्ट में वो क्यों नहीं आई? क्योंकि टीना को पता है इस वक्त उनका स्टैना जो है, जी हाँ, जिनके साथ उनकी बहुत कोई खास दोस्ती नहीं है, उसके बावजूद वो स्टैन के सपोर्ट में थी, उसके बावजूद वो मेजोरिटी यानी कि इस तरफ निमृत, शिव, स्टैन, साजिद, अब्दू, इनके सपोर्ट में आ गई। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि वो इनके तरफ रहेंगी, वो इनके साइड रहेंगी, तो उन्हें वोट बैंक में मदद होगी, ऐसा फैंस का कहना है। और जितने भी सुंबल फैंस, शालीन फैंस हैं, उन सबको टीना की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और टीना ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, ना ही जैसा मैंने कहा कि फैंस को पसंद आ रहा है, और ना ही घर के अंदर शालीन को भी ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि शालीन हमेशा टीना के लिए स्टैंड लेते हैं और खड़े होते हैं। अब इस पर आपको क्या है कहना, क्या आपको टीना सही लगती है, क्या आपको लगता है टीना ने ड्रामा किया, या जो भी है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में।